हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स क्लब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरिंग विद नेचुरल स्टोन्स। इस टॉपिक में आज हम लोग मार्बल फ्लोरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मार्बल फ्लोरिंग, अभी फ्लोरिंग क्या है? फ्लोरिंग एक जनरल टर्म है जो भी परमानेंटली कवर, फ्लोर को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। और उसको पूरे तरह से हम, जैसे भी कोई भी स्लैब होता है या फिर कोई भी है, उसके ऊपर पूरा हम लोग टाइल से या नेचुरल स्टोन से कवर करते हैं, उसी को हम लोग फ्लोरिंग बोलते हैं। अभी मार्बल्स फ्लोरिंग के लिए भी यूज करते हैं। अभी मार्बल एक बहुत ही अच्छा, मतलब देखने के लिए एकदम गुड अपीयरेंस आर्किटेक्चरल लोग इसके लिए यूज किया जाता है। मेनली वो अलग अलग हिली एरिया में, माउंटेनियस एरिया में, दुनिया में सब जगह मिलता है और ये बहुत ही लोकप्रिय बिल्डिंग मटेरियल है और लाखों लोग इसको पसंद करते हैं। इसका वो देखने में इसका ब्यूटी है, स्टाइल है, एलिगेंस है और ये अलग टाइप से, मतलब अलग अलग प्लेसेस, पैलेसेस में भी या फिर अच्छे अच्छे टेम्पल्स या फिर मॉस्क या फिर अलग अलग जो भी अच्छे बड़े बड़े मॉल्स यहाँ यूज किया जाता है। और ये पुराने जमाने में किंग्स क्वीन, मतलब जो भी राजे महाराजे होते थे उनके जमाने में भी ये यूज किया जाता था। ये टोटली एक टाइप का एक लग्जरियस ऑप्शन है इंटीरियर्स के लिए, मतलब इस इंटीरियर अच्छा है, अगर आपको लग्जरियस चाहिए तो हम लोग मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज वेल एज ये फ्लोरिंग मटेरियल भी है, मतलब फ्लोरिंग के लिए भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है क्योंकि वो बाकी टाइल्स के कंपेयर में बहुत ही जल्दी, मतलब गंदा हो सकता है या फिर डैमेज हो सकता है, तो इसलिए मेंटेनेंस ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसको। अभी मार्बल फ्लोरिंग में कोई भी कलर है उसका अपीयरेंस इतना अच्छा होता है कि इसके रिजल्ट सब अच्छे ही दिखते हैं, मतलब उसका लुक एकदम ही अट्रैक्टिव रहता है। अभी मार्बल मेनली इंटीरियर्स के लिए, फ्लोर्स के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है, मेनली इंटीरियर फ्लोरिंग के लिए और वॉल क्लैडिंग के लिए भी यूज करते हैं। अभी मार्बल में कैसे अलग अलग कलर है, जैसे सफ़ेद हो गया, हरा हो गया, ब्राउन हो गया, पिंक हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, अलग टाइप के बहुत सारे कलर्स हैं जो अपने भारतीय मार्बल के शेड्स अवेलेबल मार्केट में है। ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, एक टाइप का एक रॉक है जो पॉलिश करने के बाद उसका चमकता है या फिर उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ये मार्बल स्लैब मेनली मार्बल स्टोन के ब्लॉक से ही बनाए जाते हैं, मतलब उसके साथ उसका पॉलिश करके उसको ये करके बनाया जाता है और ये होमोजेनियस है, मतलब मेनली मार्बल सर डेराइव्ड फ्रॉम मार्बल स्टोन ब्लॉक्स, दैट इज हार्ड इंटेंस एंड होमोजीनियस। अभी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि घर में एक अच्छा स्टोन लाना है, देन उसके बाद हम आप देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप जो मार्बल्स है, इंडिया के बेस्ट 5 मार्बल्स, वाइट मार्बल्स, उसका आप लोग सोच सकते हैं। वो कौन कौन से टॉप 5 मार्बल्स है इसके बारे में देखेंगे। अभी 5 टाइप के टॉप मार्बल्स है जो इंडिया में, भारत में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है मकराना प्योर व्हाइट मार्बल, उसके बाद है ओपल व्हाइट मार्बल, उसके बाद है व्हाइट संगमरमर मार्बल, उसके बाद अल्बेटा व्हाइट मार्बल और उसके बाद है इटालियन मार्बल। ये 5 टाइप के मार्बल्स ज्यादातर भारत में यूज किए जाते हैं। अभी हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मकराना प्योर व्हाइट मार्बल, एक साइड में एक आपको स्केच दिख रहा है या इस साइड में एक पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको आइडिया आ जाएगा मकराना प्योर व्हाइट मार्बल का। मकराना प्योर व्हाइट मार्बल इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहता है और ये मेनली सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा देर टिकता है और जितना ज़्यादा समय जाएगा उससे उसके चमक या फिर शाइनिंग बढ़ती है और जितना यूज होगा उसके हिसाब से उसकी
चमक बढ़ती है। और ये मेनली अपने भारत में राजस्थान में पाया जाता है। अभी जैसे पुराने स्ट्रक्चर्स या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपने देखा होगा, ताजमहल हो गया, बिरला टेम्पल्स हो गया और कुछ अदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, इसमें ये मकराना का यूज किया गया है। और मकराना व्हाइट मार्बल मेनली फ्लोरिंग के लिए भी यूज किया जाता है क्योंकि वो दिखने में उसकी सफेदी एकदम ही बढ़िया रहती है और उसका स्मूथ और शाइनी फिनिश होने की वजह से वो वॉल क्लैडिंग के लिए भी यूज किया जाता है, तो इसलिए उसका आर्किटेक्चरल अपीयरेंस भी अच्छा आता है। मकराना मार्बल बहुत ही ज्यादा देर टिकने वाला या फिर ज्यादा ड्यूरेबल है और बहुत देर तक टिकता है, बहुत देर तक वो अच्छा रहता है। ये टाइप के मार्बल को कोई केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती क्योंकि ये टोटली प्योर पाया जाता है। अभी ये दूसरा है ओपल व्हाइट मार्बल। ये साइड में एक पिक्चर है, उसमें आप देख रहे हैं ओपल व्हाइट मार्बल। ओपल व्हाइट मार्बल एक टाइप का मार्बल है जो भारत के कुछ हिस्सों में, मतलब कुछ हिस्सों में पाया जाता है, अलग अलग क्वारीज रहते हैं उसमें पाया जाता है। और ये व्हाइट मार्बल, इसका कलर व्हाइट है और ये व्हाइट होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर भी है तो अलग साइज का ये रहता है और कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर होने से स्लैब साइज भी बड़े बड़े रहते हैं। इट इज अ वेरी प्योर कैल्साइट एंड इट कैन बी बैक लिट लाइक ऑनिक्स, ऑनिक्स जैसा ये होता है। ओपल व्हाइट एक एलिगेंट और क्लीन लुक, दिखने में भी एकदम एलिगेंट है और दिखना एकदम क्लीन लुक है। इसके लिए ये किचन, मॉडर्न किचन कंटेम्प्री में यूज किया जाता है। अगर अभी व्हाइट मार्बल जैसे है ज्यादातर स्क्रैच हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं, स्ट्रेन हो सकते हैं उसका सॉफ्ट होने की वजह से, लेकिन ये इसलिए इनको हमको सील में रखना पड़ता है और इसका हाई मेंटेनेंस, मेनली हाई मेंटेनेंस करना पड़ता है। और इसका लुक अगर आप इस घर में इसका ज्यादा यूज करेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये जो नेचुरल स्टोन्स है ये पूरा मतलब घर का जो भी इंटीरियर फ्लोरिंग जो भी करना है या फिर बिल्डिंग का क्लैडिंग करना है इसके लिए ये भी अच्छा है और ये ज्यादा देर टिकता है। अभी व्हाइट संगमरार मार्बल, वेबसाइट के पिक्चर में आप देख रहे हैं व्हाइट संगमरार मार्बल। ये बहुत ही एक पॉपुलर टाइप का मार्बल है, वो ज्यादातर रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है। ये मेनली इसका कलर एकदम बिल्कुल एकदम सफेद होने की वजह से ये चमकीला भी रहता है। उसका प्योर व्हाइटनेस मतलब एकदम सफेद रंग उसका मेन उसका गुण है। उसको हम लोग व्हाइट संगमरार भी पत्थर भी बोलते हैं। और ये दिखने में इतना सुंदर है इसके कलर की वजह से इसका अपीयरेंस और अच्छा आ जाता है। इसका मेन क्वालिटी उसका प्योर व्हाइट कलर होने की वजह से और मेनली ये हीट रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट इन नेचर। अभी अल्बेटा व्हाइट मार्बल, एक साइड में आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये साइड में दिख रही है ये अल्बेटा, ये भी एक टाइप का पुराने टाइप का मार्बल है और मेनली इसको भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, ये मतलब प्योर ही रहता है, अवेलेबल रहता है। और इसको पिन होल्स वगैरह नहीं रहते और पॉलिश की भी जरूरत नहीं रहती, इसका लुक एकदम अच्छा रहता है और इसके कलर चेंजेस होने का भी मतलब वेदर के हिसाब से चेंजेस होने का भी कोई चांस नहीं रहता। ये मेनली ज्यादातर यूज किया जाता है जैसे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क या अलग अलग इसके इसमें ये इसका ज्यादा डिमांड है। और इसका जो बैकग्राउंड है ना पूरा सफेद कलर की वजह से है और उसके अंदर छोटे छोटे
ब्लैक कलर के लाइनिंग्स आते हैं, इधर आप देख सकते हैं। और इसमें ये जो लाइनिंग है, इसमें लाइनिंग में अलग अलग कलर हो सकते हैं, ब्लैक की जगह कोई और कलर हो सकते हैं, लेकिन इसका ये जो कलर का जो लाइनिंग होना, यही इसके टॉप क्वालिटी होती है। इसका अपीयरेंस बहुत ही अच्छा हो जाता है। अभी इटालियन मार्बल, अभी साइड के पिक्चर में आप देख रहे हैं इटालियन मार्बल। इटालियन मार्बल भी एक बहुत ही ज्यादा चलने वाला मार्बल है और उसका लॉन्ग लाइफ और ज्यादा ड्यूरेबल है। इसका जो रॉ स्टोन्स है वो पूरा हम इटली से ही मंगाते हैं और इसको इटालियन मार्बल को ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में बहुत ही हाई डिमांड है। और ये इटालियन मार्बल बहुत ही सॉफ्ट नेचर का स्टोन है। एक थिन नायलॉन लेग इज ग्लूड, मतलब बैक साइड ऑफ स्लैब में नायलॉन का एक ग्लू किया रहता है उसको एडिशनल सपोर्ट और स्ट्रेन देने के लिए। और ये एडिशनली हार्ड स्टोन जो ग्लूड दिया रहता है, इसके एजेस जो रहते हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब इटालियन मार्बल के एजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ग्लूज, मतलब हार्ड स्टोन ग्लूड किया रहता है, उसके साइड के एजेस प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो क्रम्बल ना हो और टूटे ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के समय वो टूटे ना या उसको डैमेज ना हो, इसीलिए इसको मतलब केमिकल कुछ केमिकल ट्रीटमेंट से भी रिएक्शन, इसके ऊपर कोई केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, जैसे इपॉक्सी रेजिन्स हो गया, इसके बाद कलर पिगमेंट्स का यूज करते हैं, इसके बाद एडिशनल कुछ ट्रीटमेंट है तो वो भी करते हैं। मेनली ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे भी फ्लोरिंग का डेकोरेशन हो, वॉल का डेकोरेशन हो, वॉल का बाथरूम का काउंटर पार्ट हो, टेबल टॉप्स हो, ऐसे अलग अलग जहां भी डेकोरेटिव की डिमांड रहती है वहां इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये इंडियन मार्बल में, और इसमें मेन फर्क यह है कि इंडियन मार्बल थोड़ा हार्ड रहता है और इटालियन मार्बल थोड़ा सॉफ्ट है और प्रेन और स्टेनिंग है, इसलिए ये किचन काउंटर पार्ट इटालियन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अब ये टाइमलेस स्टोन जो भी गिव्स एनी इंटीरियर हाई एंड लुक, मतलब ये मार्बल स्टोन जो रहता है वो इंटीरियर का एक प्लीजेंट अपीयरेंस देता है। और ये मार्बल पोरस है तो मेनली स्टेनिंग का एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर केयर लेना जरूरी पड़ता है और मेंटेनेंस अगर अच्छा किया तो मार्बल बहुत ज्यादा दिन तक टिकता है और लॉन्ग लाइफ रहता है। मेनली इसका मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है और उसको लॉन्ग रहने के लिए कंटिन्यूस मेंटेनेंस जरूरी है। अभी भारत में एक ऐसा ही मार्बल का हब जाना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे टाइप के मार्बल्स जाने जाते हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में ये पाए जाते हैं, इसलिए भारत को मार्बल का हब माना जाता है। इसमें ब्लॉक्स हो गया, टाइल्स हो गया, स्लैब्स हो गया, अदर मेडल रेडीमेड मार्बल के जो आर्टिकल्स है वो भी पाए जाते हैं। अभी उत्तर भारत में जैसे राजस्थान ये मेन ऐसा प्लेस है कि वहाँ अलग अलग टाइप की क्वेरीज है, जहाँ ये अलग अलग के क्वारीज जो है वहाँ ये मार्बल का प्रोडक्शन होता है, ब्लॉक्स हो गया, स्टोन्स हो गया, या फिर जो भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है। अभी हम देखेंगे मार्बल के कुछ प्रोज और कॉन्स। पहला है एलिगेंट अपस्केल अपीयरेंस, दिखने में भी अच्छा है, अपीयरेंस अच्छा है। उसके बाद एक नेचुरल मटेरियल है, नेचुरली अवेलेबल है, इजीली पॉलिश हो सकता है और रेडिएंट फ्लोरिंग हीटिंग, मतलब हीट रेजिस्टेंट है और इसकी वजह से रियल एस्टेट जो भी रहेगा उसके लिए वैल्यू है, एड्स रियल एस्टेट वैल्यू, मतलब उसका प्लीजेंट और लुक की वजह से रियल एस्टेट वैल्यू ऐड होती है। उसके बाद कॉन्स देखेंगे, कॉन्स में क्या है, ये पोरस स्टोन है, सीलिंग की जरूरत है। इसके बाद स्क्रैचेस है आ सकते हैं, स्ट्रेन्स इजीली हो सकते हैं और ये एक काफी महंगा है, मतलब एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर नेचुरल स्टोन्स।
और स्लिपरी भी है और टूट भी सकता है, मतलब स्लिपरी हो सकता है, और ये थोड़ा ब्रिटल भी है, और ये कोल्ड अंडरफुट मतलब ठंडा रहने की वजह से बेयरफुट उसके ऊपर हम चल नहीं सकते। तो अभी इसमें इस स्लाइड में हमने देखा कि उसके क्या बेनिफिट है या फिर क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो इस तरह से हमने ये मार्बल फ्लोरिंग के बारे में जानकारी ले ली। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, और मेरा आने वाले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो उस मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए।